मैं भाग्यश्री बिसेन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। फास्टैग से ज्यादा कटा टोल शुल्क, पेटीएम ने की 2.6 लाख ग्राहकों की मदद। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जल्द आ रहा एंड्रॉइड, यूपीआई को देगा टक्कर। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड कहां और कितनी बार इस्तेमाल किया गया है? अगर हाँ तो अब यह मुमकिन हो गया है। यूआईडीएआई के आधिकारिक वेबसाइट की एक नई सुविधा जारी की है, जिसके जरिए अब कोई भी अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल पूर्व में कहां और किस रूप में हुआ है यह बहुत आसानी से जान सकते हैं। नया सिम कार्ड व गैस कनेक्शन लेने या पेमेंट करते वक्त आप इसका इस्तेमाल अपनी पहचान को वेरीफाइड करने के लिए करते हैं। आधार डेटा में आपकी बायोमेट्रिक जानकारियां मौजूद होती है, जैसे कि रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन। इसके लिए इसका इस्तेमाल अक्सर ही ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। लंबे लंबे फॉर्म भरने की जगह आप आधार कार्ड को इस्तेमाल करके अपनी पहचान वेरीफाइड कर सकते हैं। जब हम अपना आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड कंपनियों और मोबाइल फोन कंपनी को देते हैं, तो क्या इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है? क्या आपके अलावा कोई और भी है जो आपके आधार का इस्तेमाल कर रहा है? आपका आधार पूर्व में कहां कहां और किन किन कार्यों के लिए किया गया हो? इन सारे सवालों के लिए आधार की पूर्व इस्तेमाल की जानकारी देने के लिए यूआईडीआई ने खास सुविधा जारी की है। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के माध्यम से आधार धारक घर बैठे आसानी से अपने आधार कार्ड की पूरी हिस्ट्री जान सकता है। यह न सिर्फ अपने आधार कार्ड का कहां उपयोग किया था की जानकारी देगा, बल्कि 6 महीने के अंदर कब कब उपयोग किया था इसकी भी सटीक जानकारी देने में सक्षम है। सबसे पहले आपको अपनी ब्राउजर विंडो पर uidai.gov.in जाना होगा। इसके बाद आपको आधार सर्विसेज में सबसे नीचे आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपनी 12 डिजिट का आधार नंबर देना होगा और उसके बाद नीचे दिए गए सिक्योरिटी बॉक्स में सिक्योरिटी कोड लिखना होगा। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा, जिसे आपके रजिस्टर्ड नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी आने के बाद इसे सबमिट कर दें। यहाँ ध्यान दें कि आप तय समय सीमा में इस्तेमाल हुए आधार कार्ड की जानकारी ले सकते हैं, जो अधिकतम 50 हो सकती है। इसके बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जहाँ जहाँ आपने आपका आधार कार्ड इस्तेमाल किया क्या है, यानी कितनी बार आपके आधार को वेरीफाइड करने के लिए अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट आई है। इसके बाद आपको लगता है कि आपके आधार डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो आप अपनी शिकायत UIDAI को 1945 पर कॉल कर बता सकते हैं। अगर आप फास्टैग से टोल प्लाजा पर भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। पेटीएम भुगतान बैंक ने बीते साल टोल प्लाजा के साथ फास्टैग प्रयोगकर्ता के लिए 82% विवादित मामलों में जीत हासिल की है। बैंक ने बताया है कि टोल प्लाजा पर फास्टैग प्रयोगकर्ताओं से अधिक राशि काटने के मामले आते हैं। इस तरह के मामलों में उसने 2.6 लाख ग्राहकों को उनका रिफंड वापस दिलाने में मदद की है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने बताया है कि उसने एक ऑटोमेटेड डिस्प्यूट मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू की है। इसके तहत यदि टोल प्लाजा पर फास्टैग से अधिक राशि कट जाती है तो इसकी वापसी के लिए तत्काल दावा किया जाता है। पेटीएम भुगतान बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सतीश गुप्ता ने बयान में कहा कि हमारा प्रयास अपने प्रयोगकर्ताओं को सड़क पर बाधा रहित यात्रा उपलब्ध कराने का है। इसके तहत हम अपने प्रयोगकर्ताओं की हर संभव तरीके से मदद कर सकते हैं। इसमें टोल प्लाजा पर आने वाली शिकायतों का निपटान भी शामिल है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने मंगलवार को हुई बैठक में नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत दी है। ESIC की इस बैठक में मातृत्व अवकाश के बाद जरूरत पड़ने पर बीमारी से जुड़ा अवकाश देने की व्यवस्था में राहत देने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि महिला बीमा धारकों को इससे पहले इसका क्लेम हासिल करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी, हालांकि इसे अब कम कर दिया गया है। साथ ही ESIC ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिए और अस्पताल बनाने का फैसला किया है। इसके तहत ESIC ने मैटरनिटी बेनिफिट लेने वाली बीमित महिला के लिए सिकनेस बेनिफिट लेने का अंशदान की शर्तों को उतार दिया है। पूर्व में ESIC ने मातृत्व लाभ को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया था। शर्तों में यह छूट 20 जनवरी 2017 से लागू है। उसी दिन से मातृत्व लाभ को बढ़ाने का फैसला भी प्रभावी हुआ था। कुछ मामलों में महिलाएं मातृत्व लाभ लेने के बाद सिकनेस लीव नहीं ले पाती थी। इसकी वजह ये थी कि वे इसके लिए न्यूनतम 78 दिन की अंशदान की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती थी। अब इन शर्तों को उदार किया गया है। अब विभिन्न महिलाएं मैटरनिटी बेनिफिट लेने की हकदार होगी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में उनका भुगतान 35 दिन से कम नहीं रहा है।
ESIC ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 350 बेड का अस्पताल बनाने का भी फैसला किया है। प्रस्तावित अस्पताल से करीब 14 लाख लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए देश में अमेजॉन, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक एक साथ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। यानी ये तीनों कंपनियां मिलकर नया NUE लाने का प्लान बना रही है। इस समय भारत में सबसे लोकप्रिय UPI NPCI के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत में डिजिटल लेन देन को संभालने के लिए पाइन लैब्स और बिल्डिंग्स के साथ तीन संस्थाओं ने मिलकर एक नई इकाई NUE तैयार किया है, जिसका मुकाबला NPCI के साथ हो सकता है। बता दें कि इस समय सभी डिजिटल ट्रांजेक्शन NPCI के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। अमेजॉन, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक एक या दो दिन में RBI के सामने अपने प्लान की रूपरेखा रखेंगे। बता दें कि इसको बोली लगाने की समय सीमा से पहले ही RBI के सामने पेश करना होगा। अगर बोली को मंजूरी मिलती है तो इसका मतलब होगा कि जनवरी 2021 में 2 बिलियन से अधिक लेन देन वाले UPI का प्रभुत्व जल्द ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि NPCI को 2008 में RBI द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए RBI ने इस सिस्टम को लॉन्च किया था। NPCI को 56 बैंकों का समर्थन मिलता है। इसके साथ ही UPI और रुपए का भी इस्तेमाल इन बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही फास्टैग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल भुगतान की भी सुविधा मिलती है। हालांकि RBI ने नई खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए और टेक्नोलॉजियों को विकसित करने के लिए नई गाइडलाइन बनाने की घोषणा की है। बता दें कि NUE के आ जाने के बाद NPCI को बैकफुट पर भी रखा जा सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देश की सरकारी नवरत्न कंपनी गेल को रिप्लेस कर जल्द ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होने वाली है। टाटा कंज्यूमर 31 मार्च को पहली बार निफ्टी 50 में शामिल होने वाली है। इसी के साथ NSE पर सरकारी कंपनी गेल का सफर खत्म हो जाएगा। टाटा कंज्यूमर ग्रुप की पांचवी कंपनी होगी जो निफ्टी में शामिल होगी। इसके पहले टाटा ग्रुप की टाटा मोटर, टाइटन कंपनी और टाटा स्टील जैसी कंपनियां पहले से ही इंडेक्स में मौजूद है। देश की सरकारी नवरत्न कंपनी गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मई 2003 में पहली बार लिस्टेड हुई थी। अब 18 सालों के बाद 31 मार्च को NSE पर इस कंपनी का सफर खत्म होने जा रहा है। गेल के अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स के कुछ और भी सरकारी कंपनियों की छुट्टी होने वाली है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पहली बार दिग्गज शेयरों के इस इंडेक्स में शामिल होने वाली है। यह टाटा ग्रुप की पांचवी कंपनी होगी जो निफ्टी में शामिल होने वाली है। TCS, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी और टाटा स्टील पहले से ही इंडेक्स में मौजूद है। वहीं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी गेल इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स में 18 साल का सफर खत्म होने वाला है। इस कंपनी को मई 2003 में पहली बार देश के टॉप इंडेक्स में शामिल किया गया था। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स यानी निफ्टी की 51 से लेकर 100 टॉप कंपनियों वाले इंडेक्स से जो कंपनियों निफ्टी 50 यानी NSE की टॉप 50 कंपनियों में शामिल होगी, उनमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, ओरिकॉल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन शामिल है। वहीं अडानी इंटरप्राइजेज, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज, गेल इंडिया लिमिटेड, जुबिलियंट फूडवर्क्स, MRF, वेदांत और येस बैंक के शेयर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। ये बदलाव 31 मार्च 2021 से प्रभावी हो जाएंगे। इंडेक्स मेंटेनेंस गाइडलाइंस में बदलाव की वजह से ऐसा होगा। जबकि बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, केयर रेटिंग लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देवी कॉर्प लिमिटेड, ASAB इंडिया लिमिटेड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैथवे केबल एंड डाटा कॉम लिमिटेड, हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जैसी कई कंपनियां निफ्टी 500 इंडेक्स से बाहर हो जाएगी। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। फास्टैग से ज्यादा कटा टोल शुल्क, पेटीएम ने की 2.6 लाख ग्राहकों की मदद और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जल्द आ रहा NUE, UPI को देगा टक्कर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिजनेस न्यूज़। नमस्कार।